लाइव नमस्कार, आज हमनी के साथ है वाणी कुमारी राजश्री जी। ये बचपन से बहुत ही ज्यादा संगीत में यहाँ के रुचि रहल बटे, आ ये रुचि के देखते हुए परिवार के लोग माँ बाप पूरा सहयोग देले बटे, जेकर परिणाम आज हमनी के सामने बड़ी। राजश्री जी इनका शुरू से रुझान बटे लोक गायकी के ओर, इनका पढ़ाई भी जो जन्म बाटे तो संगीत से ही संबंधित बाटे। आज हमनी के विवाह से संबंधित कुछ चर्चा कर ले। विवाह के संबंधित जितना भी गीत गवनी होला हमनी के गावन में, हमनी के आज चूंकि विवाह के मौसम चल जाता है, चारों तरफ शहनाई बजता, चारों तरफ ब्याह शादी के माहौल बाटे, तो हमनी के यायावरी परिवार सोचनी जा कि अब की परिजन बाटे, तो हमनी के ब्याहे के गीत ही संबंधित आज के बैठकी रखे के, आ ओमे हमनी के ब्याहे के गीत सुने के, आ उस ब्याहे से संबंधित जितना भी जैसे होला मटकोड़वा होला, क्या कर जला भोर संझा पराती, सब जितना भी होला उस संबंधित हमनी के गीत सुने के। तो हमनी के बीचे वाली कुमारी राजश्री जी बहुत बहुत स्वागत बाटे रात्रि के। तब राखी जी, हम सबसे पहले आपसे ये सवाल करब कि अभिन तो इतना कम उम्र में इतना ज्यादा प्रतिभा हासिल कर, इतना ज्यादा सम्मान पावल, हम आपके बारे में सुनने की जगह जगह मतलब मंच पे भी आप प्रतिभा दिखा चुकल बानी, लोग आपके बारे में जाने लगल बटे, आप सारण जिला के हैं, तो हम चाहब कि आप अपने ये यात्रा के बारे में बताएं कि जब शुरू से लेके आज तक जोने जगह आप पहुंचल बनी संगीत के लेके, ओके बारे में हमनी के बताएं। सबसे पहले तो सब भोजपुरिया श्रोता के हमारे प्रणाम। आज प्रणाम। संगीत के प्रति हमारी रुचि बचपन से ही रहे। जब हम क्लास छठा में पढ़त रही तब जब स्कूल में हम कोनो गीत गाई तो वहां के एगो सर जी रहनी जे हमारे पापा जी से बोलनी कि ये लड़की के आवाज बहुत अच्छा बा, एकरा के संगीत सिखावल जाओ। तब फिर पापा जी हमारे पता करनी कि कहाँ संगीत अच्छा सिखावल जाओ। तो ए जगह हमनी सके जलालपुर बाएगो, जलालपुर विश्वविद्यालय में पंडित विनोद कुमार मिश्रा जी बानी जे हमारे गुरु जी बानी, वहां से हम संगीत शिक्षण लेवे के शुरू कैनी, जहाँ से हमारे संगीत के शिक्षा के शुरुआत भइल। फिर आगे चल के छपड़ा बानी पंडित राम प्रकाश मिश्रा गुरु जी, वहां से संगीत के शिक्षा ग्रहण कैनी। अभी भी शिक्षा ग्रहण संगीत के जारी बा। तब ये यात्रा में जन बाटे आपके परिवार के कितना सहयोग रहल बटे, आपके आसपास के लोग के कितना सहयोग रहल बटे, एकरे बारे में बताइए। आसपास के लोग के तो ना कहें लेकिन परिवार के बहुत सपोर्ट मिलल बा, खास करके हमारा पापा जी के। बचपन से ही हम ओ समय से सीखा था नहीं, जब हमारे हारमोनियम पर भी हाथ ना पहुंच पावत रहे, पापा जी हमरा के मोटरसाइकिल पर बैठा के गुरु जी के पास ले जाते रही। यहाँ तक कि हमरा लिखे भी ना आवे तो हमारे डायरी पापा जी ही लिखी। पापा जी के हमरा बहुत सपोर्ट रहा, घर में मम्मी बैठी उहो हमरा के सुबह प्रैक्टिस करके जगावस, मम्मी के भी बहुत सपोर्ट मिलल। ये बहुत खुशी की बात बा कि आज के समय में घर के बेटिन के आगे बढ़े खातिर अगर घर में महतारी बाप अगर साथ देता ना, तो ये बहुत ही खुशी की बात बटे, ऐसा होके के भी चाहिए। तो आज हम जैसे ब्याहे के बारे में हमने के चर्चा करते हैं, ब्याहे के गीतन के बारे में चर्चा करते हैं जा, तो हमने के आज सुनल जा चाहे जाइए सबसे पहले कि ब्याहे में जैसे मंगल गीत होला ना, शुरुआत तो मंगल गीत से होला, हाँ, तो कोनो एक मंगल गीत से शुरुआत करें। कोनो भी शुभ कार्य होला चाहे विवाह, तो मंगलाचरण होला जेकरा के पहले गावल जाला, तो आई उभे के
बहुत सुंदर। हमनी के में शिव जी के आह्वान करते हैं जा कि जैसे कोनो भी ब्याह शादी में पहले का होला सबसे शुभ के मानल जाला कि गौरी जी गणेश जी के बुलावल शंकर जी के बुलावल। हमनी के आज ऐसे शुरुआत भी कहनी जा आ देखी हमनी के साथ कितना लोग जुड़ भी गई बा। आवर्तन जनरल वागीस राज जी फिर वैभव मणि त्रिपाठी जी कहते बहुत गीत विवाह गीत पर बहुत बढ़िया बैठकी बा। गौतम चौहान जी ठाकुर शैलेश सिंह ठाकुर शैलेश सिंह बोले जय भोजपुरी बोले तनी जय भोजपुरी। अभिनव जी बहुत खूब रणविजय कुमार मतलब आपके गीती के बहुत सराहना होता। अच्छा देखी हमनी के घर में जब ब्याह हुआ होला तो अक्सर दादी अम्मा चाहे कि जब सबको बैठे ला तो बैठ के गीत गावेला लेकिन ये बहुत कम देखे के मिलेला कि आजकल के जन पीढ़ी बाटे वो साथ में अपन आवाज दे। जनरली ये होला कि घर में सबको बैठ के दादी माँ गीत गई तो लेकिन ये लोग क्या करी लोग कि नया नया गाना चलाई ऊपर डांस करी लोग आ नहीं तो नया कोनो गाना के तर्ज पे अगर कोनो गीत आई बनना बननी वाला तब गई। तो आपके ए उम्र में ए तरह के गीत सुन के लोग बहुत ज्यादा मतलब ये चीज को सोचे भी मजबूर हुई कि कोनो भी उम्र होके कोनो भी पीढ़ी होके जौन हमनी के लोक कला बाटे जौन हमनी के लोक गीत बा ओके सम्मान देवे के चाहिए आ वो इतना ही सुंदर लगी जितना और भी आजकल के गीत आवत अटे गीत गवनी होता अटे वो ठीक बा आज के टाइम के हिसाब से वो कुल जरूरी बा लेकिन ये जन बाटे हमनी के मधुर संगीत यही से शुरुआत होला हमनी के कल्चर के हमनी के ऊपर। तो अभी हमनी के सुननी जा मतलब मंगल मंगला गीत टाइप मंगलाचरण। अब एकरे बाद से जनरली जब ब्याह के एक एक तो कार्य शुरू होला तो होला में कौन सी होला जैसे लगन रखाला मटकोड़वा होला तब इस संबंधित कौन गाना गई गीत जो में मटकोड़ के टाइम में लोग तो खैर जनरली गाली गावेला ना तब हल्दी के गीत सुना रहा बनी हल्दी
बहुत सुंदर। अब इन देखिए आपके बारे में कितना लोग कितना कुछ लिखा था। नीतीश कुमार जी वानी बहुत छोटा ही परिचय कही के, लेकिन लिखले वानी आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात लिखले वानी। राजश्री के एगो छोट परिचय बा। राजश्री एक सुपरिचित एवं सुप्रसिद्ध लोक गायिका है जे संगीत के हर विधा के बड़ी बारीकी से जान और तन्मयता से सीख रहा बड़ी, जिनमें उन लोग के विशेष तवज्जो धैले बड़ी। भोजपुरी भाषा उन्हें के कारण भोजपुरिया लोग गीत संगीत को भी बहुत सूक्ष्मता से जाना और समझा है। मतलब आपके बारे में बहुत ज्यादा तारीफ बट है, हमको लगा था आपके बहुत करीब से जानत भी बानी आपके हर एक। हाँ फिर और भी बहुत लोग जुड़ल बट है। रामकिंकर मिश्रा जी जुड़ल बानी, हम आपके प्रणाम करतनी स्वागत करतनी। विकास कुमार सिंह जी जुड़ल बानी, सिद्धार्थ सिंह, नीतीश कुमार जी, वागीस राज पांडे जी कहतनी कि आपके आवाज बहुत सुंदर बा, चिंटू सिंह जी, रणवीर कुमार पाठक जी भी कहते बहुत शानदार बट है आपके, मतलब लहजा गीत गवले के तरीका सब बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए आपके प्रोग्राम में अले के बारे में आप कैसे सोचनी, हमनी के मंच के बारे में आपके कैसे पता चलल? अनुराग भैया जी के माध्यम से रिक्वेस्ट आयल के या बड़ी वाया भोजपुरी फेसबुक पेज बा, ऊपर लाइव आके गावल जाओ विवाह के संबंधित के, फिर नहीं हमने के
हमके भी अनुराग जी, जब आपके बारे में बतौनी तो हमके बहुत अच्छा लगल। जैसे कि हमनी के जो बियाहे से संबंधित आजकल आज के जो टाइम चलता लगन वाला, जो बोल जाना लगन चलता आजकल, बियाह चलता चारों तरफ, तो हमनी के भी एक आपके जैसन एक कलाकार के जरूरत रहे, जो आवे हमनी के यावरी वा भोजपुरी में एक ठो बियाहे के जो धूम होला वो चीज लेके आवे सबके सामने रखे, आ सब जाना कि हाँ हमनी के बियाहे में जन बाटे खाली बैंड बाजा बारात वाला स्थिति नहीं है, हमनी के बियाहे में ए तरह के सुंदर और मतलब बढ़िया तरीके से गाय वाला लोग के सुने वाला गीत भी होला, जेमे शिव जी के, गौरी जी के, अभी जैसे हल्दी के बारे में सीता के हल्दी चढ़त अटे एक बारे में जोन गीत रहे, तो ये बहुत सुंदर सुंदर चीज बाटे, ओके लोग जाने सुने। और हम तो चाहब कि अब आज के जो परंपरा चलते ब्याह शादी में, इनमें हमनी के प्राचीन परंपरा भी कहीं खोवे ना, सब केहूं ओके सुने जाने या फिर अपने घर में वो चीज के मतलब शुरुआत करे फिर से। तो अभी देखिए हमनी के सुननी जा हल्दी के गीत, अब हल्दी के अगला चरण, हल्दी के बाद अगला चरण का हुई ब्याह के एक बारे में बताइए और उससे संबंधित गीत सुना दी तो ठीक रही। हल्दी के बाद तो मटकोर होला था, ये वो मटकोर की गीत सुना देता हूँ। कहवा की पियर माटी कहा की उदार है, कहवा के पियर माटी कहा के उदार है, कहवा के साथ सुहाग मटकोरे जात है, कहवा के साथ सुहाग मटकोरे जात है, कहवा के साथ सुहाग छपरा के पियर माटी पन्न के उदार है, छपरा के पियर माटी पन्न के उदार है, गौमा के साथ सुहाग मटकोरे जात है, गौमा के साथ सुहाग माटी कोरिया कोरी भरली दौरिया है, माटी कोरिया कोरी भरली दौरिया है, से माटी चूल्हा सीझे कोहबर के भात है, से माटी चूल्हा सीझे माटी को रमनी अम्मा काले भूदनवा है, माटी को रमनी अम्मा काले भूदनवा हो, तोहरा के दे बहु बेटी डाली भर सुनवा हो, तोहरा के दे बहु बेटी डाली भर सुनवा हो, दोहरा के देव बेटी। वाह बहुत बढ़िया, देखिए गीता पे बहुत लोग आपके तारीफ कर रहा था। देखिए हम हमने के मटकोरा सुन लेने जा, हल्दी के सुन लेने जा, हम इतनी टाइम से आपके बैठो ब्याहे के गीत सुना दी, जैसे ब्याहे के टाइम में जब कन्यादान होला, जब बाकी सब रस्म होला, फिर पानी ग्रहण होला, उस समय के गीत भी बहुत ही भावुक करे वाला होला। देखिए बहुत लोग तारीफ करता है, मटकोर के सबसे प्रसिद्ध गीत है, सही बात भाई। गीत जन बाटे हम सुननी है जन ना राजश्री जी आपसे, ये गीत हमनियों के गाँव में खूब होला, हर बार जब मटकोड़ा करे जाला लोग तो ये वाला गीत सबसे पहले होला। हाँ ये गीत बहुत प्रसिद्ध हाँ हृदय जी यहाँ के बोलिया, हाँ मजा आ गया सुन के। हृदय जी आप भी तो कुल गीत खूब गात हो, कब वरुण प्रभात बहुत मधुर और लोक संस्कृत से जुड़ल आवाज बा, जय हो जय भोजपुरी सुनाई हमने के। आइए विदाई की बात बहुत भाव की बात
फिर लेकिन बहुत लोग आपके तारीफ गीत के साथ करता आ कुछ गुजारिश बा ने दूसर गीत सुने खातिन भी मैं देखी वरुण प्रभात जी कहते नहीं ओ ये गीत सुन के हमनी के रो दी सन जब माई दादी गावे लोग था सही में बहुत भावुक करे वाला गीत बाटे। देखी राम किंकर मिश्रा जी कहते नहीं कुछ ज्ञान के बात करे के हमनी खातिन तो ये बहुत ज्ञान के ही बात बाटे कि एक ठो ब्याह के जोन प्रक्रिया होला में एक ठो लड़की के पूरा जिंदगी बदल जाला एक घर से दूसर का कुल में जाए के रहला दूसर का घर से जुड़े के रहला आ में जोन विदाई के जोन गीत अभी राश्री जी गोनी है ये इतना मार्मिक रहे कि इमें एक लड़की के साथे का होला कौन सी ओकरे ऊपर गुजरेला के तरह के महसूस करेले ओकरे साथ साथ जोन घर के लोग भी का महसूस करेला उ चीज के एक गीती से मतलब महसूस कर जा सकेला। माही महिमा जी कहते कि वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है कुछ तकनीकी व्यवधान बाटे। फिर वत्सला द्विवेदी बहुत अच्छा। वरुण प्रभात जी कहते हैं क्षमा जी अनुरोध बात वार पूजा के गीत
लेहु न कवन पापा धोतिया खातिर, मतलब ये गाना सुनल चाहता नहीं माँ के, एक एक बार सुना दी। बहुत सुंदर। अच्छा हमने के घरे जब ब्याह के जब शुरुआत होला तब लगन रखेले के बाद एठो होला संझा जोन जोन साझी के टाइम में गावल जला, उमे मतलब ओकर तर जैसन है कि मतलब बहुत ही धीमा धीमा लोग आवेला, तो हमने के शुरू शुरू में ये पूछा कि ये तो गीत ऐसन बाटे दादी अम्मा ही लोग खाली गावेला, लो बूढ़ बुजुर्ग लोग ही गावेला लो, लेकिन तो ओकर भी हम एक चल के आपसे सुनल चाहता नहीं और भी हम एक दो लोग से सुन ले भाई, जो कि बहुत मतलब रोचक तरीके से गावल जा सकेला, जो बहुत सुंदर सुर के साथ भी गावल जा सकेला, हम सुनल चाहता नहीं आपसे। Thank you.
माई के जिया राजा मनाई देखिए वरुण प्रभात जी कहतनी, ये गीत हमेशा महसूस करावे ला कि अपना कलेजा के टुकड़ा के दूसरा के सपत भी सिर झुका के ओकरा सुखद भविष्य खातिर अनुनय विनय करे के बा। धन्यवाद ये गीत खातिर। नीतीश कुमार जी कहतनी, असही भोजपुरी और समृद्ध होई। सही बात बा, हमनी के भोजपुरी के अंदर भी बहुत संपदा बाटे, संपत्ति वाले, क्योंकि हमनी के पहचानत नहीं रहनी जा, धीरे धीरे सब भुला जाता है लोग, तो ओके बचा के रखे के जरूरत बाटे। राजश्री जैसन कई सारे कलाकार लोग बाटे हमनी के बीच में, ये लोग ये थाती के बचा के रखी है उम्मीद बा। साथे हमनी के भी एक बाटे अनुरोध आप सबसे कि जैसे हमनी के जोन ऐप बाटे यायावरी वाय भोजपुरी, हमनी के भी वह काम बा कि जितना भी साहित्यिक कहानी जो अलग अलग भाषा में आदमी सुनत हटे ओके भी भोजपुरी में सुनल जा सकेला। तो ऐसे हम चाहब, हम अनुरोध करब आप सबसे कि आप सब हमनी के यायावरी वाय भोजपुरी जोन बाटे प्ले स्टोर से जाके ओके डाउनलोड करी जा, कहानी सुनी जा, अपन जोन भी विचार ओकरे बारे में बनत होके हमनी के ओकरे बारे में बताई जा। तो आज हमनी के कितना कुछ सुन चुकनी जा। राशि जी इतना ब्याह के गीत आप गावत नहीं, हम की बताएं कि सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत आपके कौन लगेला है में से, जो मतलब कभी भी क्यों कहे गावे के आप गुनगुना दी हो के वो तरीके से। विवाह गीत के तो ऐसा धुन होला कि सब पसंदीदा ही होला, लेकिन फिर भी सुना रहल बने। तब के बाद जब रामचरण भैया दूल्हा बन के जाता लोग, तब वहाँ सखी लोग आरती उतारता लोग, उस चीज के में वर्णन बा आई सुनी। चारों दुल्हा के आरती उतारू हे सखी, 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 सीता चोरवा के आरती उतारू हे सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारू हे सखी।
बहुत सुंदर एक ठो गीत हमने के सुन ले वानी जा छोटे पे, अगर आपकी याद होके तो सुना दी कि जोने में शिव जी जब आवतनी मानी वहां के जन बारात के देख के, जब गौरी जी के मतलब पार्वती जी की जब माँ जब देखा तड़ी तो गाना वही समय कहा तड़ी कि ऐसे ने बौराहे बर से दुल्हा गौरा नहीं भी है, चाहे गौरा रही है कुमार। ये अगर गीत सुन ले हो कि गीत सुना दी हमने कि अम्मा अम्मा लोग इस लोग गावे लोग, बहुत अच्छा गीत लगे ला हमके, शुरू से याद तो हमके नहीं किया ये वाला, एक याद टाइम के गीत बापी। सुनने लगे लेकिन छह चाप अभी याद नहीं थे। अच्छा ठीक बा, कोनो बात नहीं। एक अलावा बन्ना बिन्नी के गीत भी बहुत होला, फिर नखटा होला, झूमर होला, जब मतलब नाचे खातिन लोग, जैसे बारात अगर विदा होला तो ओकरे बाद से घर में लोग औरत लोग जलुआ खेले लोग, डांस कर लोग, नाचे लोग घर में, तो वो तरह के गीत भी हमने के सुनाई। सारे सैनी जो शादी विवाह हमें गवल जला कहते अभी देखिए वरुण प्रभात जी कहते हैं बहुत निक लागल, बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बहुत मधुर आवाज, बहुत संतुलित संचालन, धन्यवाद वरुण प्रभात जी। नीतीश कुमार जी कहते हैं बहुत निमन। यूएस गौतम जी कहते हैं कि अति सुंदर एवं अद्भुत लोक गायन, भोजपुरी संस्कृत के रउआ लोग सजोए में आपन बहुत सुंदर और सराहनीय प्रयास करत बानी जा। हम आप सभी भोजपुरिया समाज के जागृत करे खातिर आप सभी कलाकार के प्रणाम करत बानी, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। वरुण प्रभात जी फिर कहतनी बहुत खूब। देखी तारकेश्वर सिंह जी जुड़ल बनुआ कहतनी बहुत सुंदर। वैभवमणि त्रिपाठी जी कहतनी राजश्री जी के कोनो एल्बम भी एल्बम का, अगर आपके कोनो एल्बम आयल एल्बम के चाहे। अच्छा अभी नहीं एल्बम लिखे आयल ठीक बाटे, जितना भी आप मंच पे अपन प्रस्तुति दे चुकल बानी हमनी के ते लगा था कि जल्दी ही मतलब कि एल्बम भी आई, जल्दी ही आपके गाना के लोग और भी विधा से सुनी। हमनी के जैसे भोजपुरी में भी माना जाला कि भोजपुरी में गीत गवा नहीं बड़ी अच्छा नहीं खेल, लेकिन फिर भी कुछ कुछ गीत ऐसा बाटे
जौन हमनी के जहन भी बसल बाटे आ हमनी के ओके बहुत मन से अभी भी सुनिन जा पहले भी सुनल जात रहे। जैसे एक ठो बाटे ब्याह के गीत है, देखिए अपने दिमाग में लिखा होत, अबहिन ते बबुआ दिल्ली दूर बड़ी है, जब तक पूरे ना हो, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। तो ये तो खैर मतलब हिंदी बाटे, लेकिन यो ब्याह के ही गीत है, आई हो बहुत सुंदर बाटे, अगर देखे सुना सकी तो मतलब अच्छा रही। गाना तो सुन ले बनी, कोशिश करता नहीं कि एक लाइन बोली। हाँ थोड़ा ही सुना दी। जब तक फेरे ना हो पूरे साथ, बस अब याद नहीं किया बात ठीक बा, बहुत मतलब बढ़िया इस सुंदर गीत है यो। इमें पूरा भोजपुरी भी नहीं है, पूरा हिंदी भी नहीं है, लेकिन गीत बहुत अच्छा लगेला। तब देखिए हमने के साथ इतना लोग जुड़ल बा, इतना लोग आपके आपसे कहत, देखिए आवर्तन जनरल के में आवर्तन जनरल कहत है कि कितना वर्ष के उम्र से राष्ट्रीय जी संगीत से जुड़ल हई आ कितना देरी ले रोज यहाँ के रियाज करेली, कितना जब कितना छोट रही तब से संगीत के बारे में मतलब शुरुआत भइल आपके, कब संगीत सीखा शुरू कैनी आ डेली मतलब रोज संगीत कितना रियाज करेनी। हम तब सीखे के शुरू करनी जब हम हारमोनियम पे, जब हमारे हाथ भी ना पहुंच पावत रहे, तब से बहुत हम छोटी से। बहुत हाँ छोट रहनी। अभी हमरा पूरा अच्छा से याद नहीं कितना साल भेल, लेकिन फिर भी 10-15 साल तो वही गए। 15 साल, 10 साल, 10-12 के बीच में। अच्छा, तो रोज सुबह रियाज मतलब दिन में डेली तो रियाज होत हुई तो कितना सुबह टाइम शाम लगा रियाज फिर रियाज, करेंगे, सुबह सुबह शाम दोनों टाइम? तो शाम रियाज की टाइम बा। जब रियाज करें तो साथ में मतलब केहू सहयोगी रहेला, केहू सिखाए वाला रहेला कि खुद से ही बैठ के रियाज करेनी? घर में तो रियाज खुद से ही होला। जॉन गुरु जी एक दिन, एक सप्ताह हमें होमवर्क दे देनी, ओकरा के 7 दिन तैयार करे के बाद फिर जाए के बाद फिर आवे के बाद फिर नया होमवर्क लेके 7 दिन तैयार करे के बाद फिर जाए के बाद। तो शास्त्रीय गायन के मतलब जितना भी उसमें होला विधा वो सब सिखावल जात हुई ना, तो इमें क्लासिकल, जैसे जितना भी ब्याह के गीत आजकल बाटे इमें कोनो राग क्लासिकल से? हाँ म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक से हम बीएड कैले बनी इलाहाबाद पर्याप्त संगीत समिति से, भास्कर यानी एमए कैले बनी प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से। अच्छा, तो जैसे कि हमने के जितना भी ब्याह के गीत बाटे चाहे जो भी और भी गीत बाटे हमने के मतलब भोजपुरी समाज में गावल जला, तो उसमें जनरली कोनो राग से मिलेला कि नहीं? जैसे राग हमने के संगीत में होला तो कोनो ऐसा राग जोन हमने के भोजपुरी के जोन गीत गवनी होला उसे मिलेला, तो अगर ओकरे बारे में बताए? जौन भी गीत बा सब सरगम से ही बा, सरगम में ही सब छुपल बा। जौन कहीं गावे के बाद सीखे के बाद पहले सरगम सीखे के पड़ी, ओकरा बादे कौनो गीत बा। बिना सरगम राग सीख ले कोई कौनो गीत ना गा पाए। अच्छा देखिए रामकिंकर मिश्रा जी कहत नहीं कि हमार गाना नहीं सुनौ ल जा, कौन गीत रहे यहाँ के? एक मिनट हम देख के बताओ तनी। अच्छा देखिए एक गीत बटे, एक गाना सुनाई रवरे, कोठा अटारी रवरे टूटही मड़ैया में जाइब कहाँ जी, ये गाना सुन ले बानी? माफी चाहे मी गाना हमरा पता नहीं खे नहीं सुन ले। इतना ज्यादा गीत के भंडार बटा कि सब सब गाना सबके याद कैल भी आसान नहीं है, मुश्किल बा। लेकिन ठीक बा, एक अब हमनी के धीरे धीरे कार्यक्रम भी जोन बा समापन की ओर जाता, हम चाहब कि आप अपने पसंद के कोनो और गीत सुनाई जोन मतलब आपके घर में सबसे ज्यादा गावल जात हो के, जोने सरोरे मतलब ब्याह ही नहीं कोनो भी चीज कोनो भी विदा का कोनो भी गीत गा सके नहीं हमने, के बाद कार्यक्रम जन बाटा समापन कर जाए। आई जब समापन के बाद बात, तो हम जो धरती से बानी पंडित महेंद्र मिश्र के, धरती बोलल जनक पूर्वी के जनक, तो आई उन्हीं के गीत सुना रहल बानी पूर्वी, ओकरा बाद समाप्त करें।
अच्छा, आप महेंद्र मिश्र जी के गांव से है ना? जी हाँ, तब आप वहां से कभी मतलब वहां के परिवार से मिलल बानी? वहां के भी मतलब आपसे मुलाकात भइल बा? जी मैम भइल बा। यहाँ मिश्रवलिया का ही जन होला नो जिले वहाँ के घर बा जहाँ हम गई भी बानी। ओकर बाद वहाँ के पर पोता के पोता ऐसा ही कुछ बानी अजय मिश्रा नाम हवे उन्हीं से मिलल बानी। और अच्छा। सेंटर पर भी आवेनी म्यूजिक सेंटर पर भी आवेनी वहाँ के। तो फिर तो मतलब होला ना कि जोने गांव में इतना बड़ा शख्सियत बाटे तो ओकर असर तो मतलब हो गई चाहिए। आ फिर आप के जन बाटे अपने म्यूजिक में फिरो के अपने गीत संगीत की दुनिया में फिरो के उस चीज के और आगे बढ़ाई। आपके साथ ही वो गांव के नाम रोशन होके ये हमने के शुभेच्छा बाटे। देखिए अकेले साथे यूएस गौतम जी कहतनी कि आज बहुत दिन बाद अपना भोजपुरिया समाज के इतना सुंदर प्रस्तुति सुनकर मन बहुत खुश हो गई। इतना सुंदर संचालन राशि के सुंदर एवं अद्भुत आवाज सचमुच खुशी के बात बा। बहुत बहुत यूएस धन्यवाद। गौतम भैया के प्रणाम बा। अच्छा, आप जाना था नहीं आके आपके बारे में बहुत। भैया अच्छा जी, ठीक है। आगे वरुण को प्रभा डॉक्टर बनी।
वरुण प्रभात जी कहते हैं, राजश्री जी एगो अनुरोध करे बड़ भाई के रूप में, गीत के प्रस्तुति के समय थोड़ा सा हंसी चेहरा में झलकत रहे के चाहिए, इतना मधुर आवाज के बाद भी लगत जैसे रउआ डरल होखी, बुरा मत माने क्षमा सहित। जेके मतलब हमके लगा था कि जे हमेशा कोनो मंच पे अपन प्रस्तुति देहले बाटे, वो जब मतलब एक तरह से ऑनलाइन नेटवर्किंग के माध्यम से जब करे ला ना, तो एक तरह के दिमाग में प्रेशर बन जाते हुए, जहां तक हमके लगा था। रात्रि आपका कहते नहीं करे बारे में। बस सही है बाबा, सामने हाँ स्टेज प्रोग्राम में रहला कि सब कोई सामने दिखेला कि हाँ कितना के देख, तो तभी ज्यादा मतलब समझ स्वाभाविक में। लगेला। देखिए वरुण प्रभात जी कहते नहीं कि हमार ममहर है मिश्रवलिया में। अच्छा, निरुपमा मिश्रा जी जुड़ल बानी, वहां के हम स्वागत करते नहीं, वहां के भी हमने के एक कार्यक्रम के मतलब पसंद करते नहीं बहुत ज्यादा। वरुण प्रभात जी कहते नहीं, फिर तराश्री ममेरी बहन भेली। विकास कुमार सिंह जी, वाह। विमलावती त्रिपाठी जी जुड़न बानी, हम प्रणाम करते नहीं, मम्मी है वहां कमी के। राहुल कुशवाहा जी, विकास कुमार सिंह जी, सबको तारीफ करता। देखिए हमने के कार्यक्रम एक तरह के गीत गवाने वाला जो कार्यक्रम होला ना, ओके समापन के बहुत कठिन होला, गीत सुनल किसके नहीं पसंद होला, लेकिन हमने के जो बाटे ये कार्यक्रम अब धीरे धीरे मतलब 1 घंटा होके के बाटे, चूंकि सामने से अगर कोनो चीज कहल जाला, कोनो इस तरह के नेटवर्क वाला माध्यम न रहे अगर, तब ओके मतलब ज्यादा देर तक अकेले में या लोग के सुनने भी अच्छा लगेला, लेकिन हमने के जुड़ल मानी जाए नेटवर्क जोन बाटा, ये ऑनलाइन जो हमने के फेसबुक लाइव चला था, तो एक एक तो समय सीमा भी रखे चाहिए, तो हम चाहब कि मतलब आप सब हमने के अब इजाजत दी जा। साथ ही साथ हम एक बार निवेदन करब कि जो हमने के प्रयास बाटे ओके सफल बनाई जा, ज्यादा से ज्यादा सफल बनाई जा। हमने के जोन बाटे या एवरी वे भोजपुरी ऐप जोन बा ओके डाउनलोड करी जा, ज्यादा से ज्यादा कहानी सुनी जा। एक साथ ही जो हमने के हर बुधवार के जो बैठकी होला या ये क्या कहते हैं यायावरी भाई भोजपुरी के फेसबुक लाइव जोन बाटा, हर बुधवार को 7:30 बजे होला, तो मैं आप सब ज्यादा से ज्यादा जुड़ी जा। कोनो भी अगर हमने के कार्यक्रम में कमी महसूस हो गया तो ओकर बारे में बताई जा, कुछ अच्छा महसूस हो तो ओके बोली जा, बताई जा, उसे हमने के उत्साह बढ़ी। तब एक साथ ही साथ कुमारी राजश्री जी के नेटवर्क लगा ऐसे में कुछ गड़बड़ हो गई बाटे, वहां के निकी दिक्कत, तब देखिए कुछ लोग के और कमेंट भी आवा था हमने के साथे पास। वरुण प्रभात जी, हमार मामा रमेश वालिया, देखिए व्यवधान बाटे ये नेटवर्क के, रात्रि जी हमने के मंच पे अभी नहीं की, वहाँ के हम इंतजार करब ताकि आप सबसे इजाजत एक साथ हम लेवे के। हाँ देखिए आगे नहीं, ठीक बात। तब रात्रि जी आप कुछ कहल चाहिए हमने के ऐप के बारे में, तब लोग से कही सके नहीं, अपने कोनो गीत संगीत के कार्यक्रम से संबंधित कुछ कहल चाहिए, कोनो अगर आपके यूट्यूब चैनल हो गया चाहे कोनो कुछ हो गया, तो हमने के ऐप के माध्यम हमारे फेसबुक पेज बा कुमारी राजश्री, ऊपर जुड़ी लोग, ऊपर हम लाइव आवे नी, गीत गावे नी, अपन प्यार दी लोग, और या यावरी भाया भोजपुरी के भी लाइक करी लोग, कमेंट करी लोग, फॉलो करी लोग पेज के। बहुत बहुत आभार। तब देखिए कुमारी राजश्री के नाम से यहाँ के एक ठो बाटे फेसबुक पेज, आप सब जे भी यहाँ के गीत संगीत के सुनल चाहता था, जे भी जुड़ल चाहता ओके सुने, साथ में हमने के ऐप के भी अपन मतलब प्रोत्साहित करा हमने के ऐप के डाउनलोड करके, तो एक साथ हम आप सबके प्रणाम करते नहीं और आप सबसे आज के दिन विदा चाहते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़ने जा हमने से।